ऑपरेशन की घटना सीसीटीवी में थई छे कैद। राजकोट में आरोपी ने पकड़वाना दृश्य सीसीटीवी में कैद थया। चील झड़पना आरोपी ने दिलधड़क रीते पकड़ी पड़ायो। आरोपी भागवा जता पोलीसे पीछो करीने पकड़्यो। बाइक पर भागवा जता आरोपी नीचे पटकायो हतो। पोलीसे छरो बतावी हुमलानो पण प्रयास कर्यो हतो। आरोपीए पूछपरछ में 12 चील झड़प करी होवानुं कबूल्युं छे। तो आप जो रहा चील झड़प कर भागवा जता आरोपी ने करीते पोलीसे पकड़ी पाड़ो। तेनो अकस्मात थयो ने ते स्पीड में बाइक भगावा जता नीचे पटकायो हतो। पोलीस तेनो पेशो करी रही थी अने त्यारबाद तेने आ रोड पर थी पकड़ी लेवामां आव्यो। पकड़िया बाद तेने 12 जेटली चील झड़प करी होवानी कबूलात पण करी लीधी छे। चील झड़प करीने भागतो आरोपी जे छे ते पोलीस थी भागवानी कोशिश में हतो। जो कि एटली स्पीड में बाइक चलावी रह्यो हतो कि तेनुं बाइक स्लीप थई गयुं हतुं अने ते जमीन पर नीचे पटकायो हतो। नीचे पटकाता ज तेने इजा पहोंची हती जेना कारणे ते चाली शकवा माटे पण सक्षम न हतो। त्यारबाद पोलीसे तेने झड़पी लीधो। अमदावादमां पोलीस जाप्तामां एक आरोपीने मार मरायो होवानी घटना बनी छे। सिटी सिविल कोर्टना परिसरनी बहार पोलीस जाप्तामां बेसवा जता आरोपी मनीषने मार मरायो हतो। आरोपी मनीष बलाईने अगाउ पण कोर्टमां रिमांड दरमियान मारनी घटना बनी हती। 2016 क्राइमब्रांचनी कचेरीमां कोन्स्टेबल चंद्रकांत मकवाणानी हत्यानो आरोपी छे मनीष बलाई। आ केसमां कोर्टमां सुनावणी हती। कोर्टे हवे आ केसनो चुकादो 22 जुलाईए आपशे। तो पोलीस जाप्तामां लई जवाई रहेला आरोपी मनीष बलाई ने मार मारवामां आव्यो हतो। कोर्टनी बहार एक तरफ लोकोना टोळे टोळा जोवाई रह्या हता। क्राइमब्रांचना कोन्स्टेबलना हत्यानो आरोपी छे आ दोषित, त्यारे हाल तेने कोर्टमां लई जवाई रह्यो हतो ते समये मार मारवामां आव्यो। અને હવે વાત કરીએ ગર્ભપાતના ગોરખધંધાની। મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુરમાં સભ્ય સમાજને શરમાવતી ઘટના સામે આવી છે। એક જાગૃત નાગરિકે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને એક વિડીયો સોંપ્યો છે જેમાં જોઈ શકાય છે કે કેટલીક મહિલાઓ એક યુવતીના ઘરમાં રહેલા બાળકની હત્યા કરી રહી છે। चार महिलाओं एक मकान की पाचड़ भाग में महिला ने भोय तड़िया पर सुवड़ी ने आ अमानवीय कृत्य ने अंजाम आप रही है। आ महिलाओं युवती गर्भन गैरकायदे रीते गर्भपात कर रही है। एक महिला कातर जेवा ओजा उपयोग कर गर्भपात करी रही है। युवती ने खुला में भोय तड़िया पर सुवड़ी ने बेभान करती है। त्यारबाद जरूरी आरोग्य सुविधाओं विनाश जीव ने जोखम में मुकम आ वीडियो क्यारों से अंगे हजू पुष्टि थी शकी नहीं। तो आखी घटना लेने नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेले पण प्रतिक्रिया आपी हती। आओ सांभळीए। जो कोई पण जग्याए कोई गैरकायदेसर रीते गर्भपात करता होय तो ए कायदा मुजब गुनो छे। अने आवी कोई पण बाबत जे वीडियो वायरल थई छे एनी हूँ आरोग्य मंत्री तरीके चकासणी करावीश। अने ज्यां पण आ गैरकायदेसर कृत्य थयुं हशे जेमणे पण कर्युं हशे एमनी सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवशे। तो आ प्रकारे एक युवतीना जीवने जोखमां मूकीने जे प्रकारे खूणामां लई जईने एक महिलानो गर्भपात करावामां आव्यो छे जेमां चार महिलाओ जोतराई हती। आ मामले कायदाकीय कार्यवाही पण करवामां आवे छे ते प्रकारनी नायब मुख्यमंत्रीए बाहेधरी पण आपी छे। सवाल ए छे कि आ प्रकारे कृत्य करनार महिला कोण छे अने तेनी साथे शामिल चार महिला कोण छे पण ए पण एक मोटो सवाल छे। COVID-19 सामे रसी न लेवी खूब ज खतरनाक साबित थई शके छे। एवा केटलाय लोको छे जेमणे पोताना स्वजनो खोई दीधा छे अने हवे तेमने रसी न लेवानो अहेसास थई रह्यो छे। COVID-19 रसीकरणने लई नेटवर्क 18 अने फेडरल बैंकनी जागृतता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की अंतर्गत अमे कर्नाटकना दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में अंतरियाळ गामनी मुलाकात लीधी अने एक आवश परिवार साथे मुलाकात करी। आवो जोईए रिपोर्ट।
अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी। हाल ही में परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनमें पद्मश्री भी शामिल थी। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गई। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and we are our most works with the nature. So we, I thought we are very healthy. My mother is only 51 year old. So I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से ना लेते हुए भी अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. परिवार में हुई मौत ने इनके व्यवहार को बदल दिया। अब सभी मास्क लगा रहे हैं और पूरे परिवार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination. इनका संदेश बिल्कुल साफ है, देर ना करें, अभी टीका लगवाएं।